जब भी हमारे मीडिया अफसर साहब साहिल जी बोलते हैं आप लोग आ जाते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल कि बिजी शेड्यूल छोड़ के भी आप धर्मार्थ के लिए टाइम निकालते हैं। इसी के साथ साथ आई थिंक जो हमने पिछला बड़ा मेगा फंक्शन किया था रामलला का, प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसमें ट्रस्ट को भी आप लोगों ने बड़े एक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको लॉड किया है, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। तो आप एक हमारा जरिया हो जो पब्लिक तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाते हो, हमारे एफर्ट्स को पहुंचाते हो। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से अपना सहयोग हमको देते रहेंगे। तो आज का जो हमारा मीटिंग का मेन मुद्दा है वो है शिवरात्रि की सेलिब्रेशंस, और इस शुभ अवसर पे जो कि 8 मार्च को मुहूर्त निकला हुआ है, सबसे पहले हमारे चेयरमैन ट्रस्टी महाराजा करण सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह जी और बाकी ट्रस्टी की तरफ से मैं आप सबको और जम्मू के सब निवासियों को उनकी शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि के पर्व अवसर पर जम्मू के सब निवासियों के अच्छी सेहत रहे, खुशियां रहें और खूब खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी रहे। तो इस सिलसिले में आपको जैसे मालूम है कि हर साल धर्मार्थ जो है शिवरात्रि को एक बड़ा फंक्शन मनाते हैं। उसका कारण एक और भी है कि आपको सबको मालूम है मंतलाई जो हमारा एक टेंपल है शुद्ध महादेव के साथ, वहाँ पर तो शिव पार्वती की शादी हुई थी। तो अगर आप में से कोई वहाँ नहीं गया है तो एक बार ज़रूर जाइए। जो हवन कुंड होता था वही अभी वो मंतलाई है, वो तलाई बन गया। तो एक बड़ी महिमा है, शिवरात्रि तो वहीं से शुरू होती है एक्चुअली, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही शिव पार्वती का ब्याह करना। तो इसी को आगे चलाते हुए हम सबसे पहले हमारे यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में तकरीबन 16 शिवजी के मेन मंदिर हैं, 16 और 8 के करीब हमारे श्रीनगर में, कश्मीर में। तो ये सारे 24-25 मंदिर जो हमारे मेन मंदिर हैं, इनमें धर्मार्थ अपना पूरा बल लगा देती है। हमारे पुजारी और जितने भी वहाँ पर उस दिन डिवोटीज़ आएंगे, और डिवोटीज़ का रश तो 7 तारीख से ही शुरू हो जाना है और 8 तक चलता है। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि कोई भी श्रद्धालु जो शिव जी भगवान के उस दिन दर्शन करने आए, उसको जितना हम सहयोग दे सकें, चाहे पूजा में मदद कर सकें, चाहे उसके बाकी जितना भंडारा, खाना पीना, ये सब हम कोशिश करते हैं कि हर यात्री को सबसे ज़्यादा सहूलियत मिले। तो जो मेन मंदिर जम्मू डिवीज़न के हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो रणवेश्वर टेम्पल है, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटी के जो ओल्ड सिटी है, यहाँ के सारे लोग यहीं आके दर्शन करते हैं। उसके साथ हमारे जो रघुनाथ मंदिर में, वहाँ पर भी आपको मालूम है कि तकरीबन 6 शिव जी के मंदिर हैं, उनमें भी इसी तरह से पूजा होगी। फिर बाहर जम्मू से बाहर जाएं तो अगर आप देखिए परमंडल एक बहुत फेमस शिव जी का स्थान है, उसी तरह से उत्तरबैनी में हमारे 3 बहुत माने हुए शिव जी के मंदिर हैं। तो 3 वहाँ, एक परमंडल में हो गया है, फिर शुद्ध महादेव में और मंतलाई में, और ये हमारे मेन टेंपल्स पड़ते हैं जम्मू डिवीज़न में। तो हर जगह हमने इसका पूरा बंदोबस्त किया है, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ लोकल पब्लिक का भी, जैसे शुद्ध महादेव, परमंडल और उत्तरबैनी, उसके साथ साथ रणवेश्वर में लोगों का योगदान। हमारे सेक्रेटरी साहब के पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो लोग इसमें भंडारा करना चाहते हैं, कोई स्टॉल्स लगाना चाहते हैं, तो सेक्रेटरी साहब उनको उसी तरह से देखकर परमिशन देंगे। उसी तरह से श्रीनगर में शंकराचार्य एक बहुत माने हुए शिव जी के हमारा स्थान है वहाँ पर, उसके साथ साथ रैनाबारी में हमारे शिव जी के टेम्पल हैं, उसके साथ साथ बाकी जो प्रतापेश्वर डल गेट पे हमारे टेम्पल हैं। तो बाकी जो वो शिव जी के टेम्पल हैं हर जगह, हम यही कोशिश करेंगे कि जहाँ भी कोई श्रद्धालु आए उसको धर्मार्थ से दर्शन करने में पूरी से पूरी सहूलियत मिले।
सर हर वर्ष शिवरात्रि से पहले एक शोभा यात्रा का आयोजन है, ये मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे खत्म। तो इसी सिलसिले में जब ये हम यहाँ पर रणवेश्वर टेम्पल में शिवरात्रि का शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले 7 तारीख को एक शोभा यात्रा 3 बजे निकलेगी, तो यहीं से शुरू होगी और वो पूरे जम्मू शहर में शोभा यात्रा जाएगी। उसका रूट बेसिकली यहाँ रणवेश्वर टेम्पल से इंदिरा चौक, इंदिरा चौक से ऊपर हरी मार्केट, रघुनाथ मंदिर से होते हुए, रघुनाथ बाज़ार से होते हुए पुरानी मंडी आएंगे, पुरानी मंडी से लिंक रोड, पक्काडंगा, मोती बाज़ार, परेड और वापस रणवेश्वर टेम्पल में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। 3 बजे शुरू होगा, 7 बजे हमारा अंदेशा है कि ये यात्रा ख़त्म होगी। उसी दिन रात को 7 बजे क्या होता है कि जम्मू में रश बड़ा हो जाता है और हर आदमी जो पूजा करता है, जिसने व्रत रखा है शिवरात्रि का, वो अभिषेक करेंगे। तो आपको जैसे मालूम है रात को 4 बार पूजा होती, 4 पहर। तो जो मुहूर्त है 8 तारीख का वो है 10:58, 11 बजे करके, और इसी तरह से 2-2 घंटे के बाद पूजा होती है, 4 बजे आखिरी पूजा होगी। 7 तारीख को कुछ लोग पहले ही कर डालते हैं, खासकर कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं, वो एक दिन पहले ही मना लेते हैं। तो हमने 7 तारीख को भी बंदोबस्त किया है, जो लोग आके रणवेश्वर टेम्पल में अभिषेक की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए हमने सारी सहूलियत रखी है। हमारे पुजारी होंगे ड्यूटी पर, हमारा बाकी स्टाफ ड्यूटी पर होगा और जितना हो सके हम उनकी सारी मदद करेंगे।